नमस्कार एंड वेलकम बैक टू बिस्वानी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त जसवंत पाठक और आज आपके लिए लेकर आया हूं पॉलिटी का बहुत ही अच्छा सेशन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप टाइटल के माध्यम से देख पा रहे हैं, आज का जो लेक्चर है वो है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस हो या फिर एसएससी हो या फिर एनटीपीसी हो या फिर आज आपके जो लगे हुए करंट के एग्जाम है, पेट है, लेखपाल है, यानी हर एक एग्जाम में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यानी पॉलिटी अगर जिसमें पूछी जाती है तो उसमें फंडामेंटल राइट्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। मैंने अपनी पिछली क्लास में मैंने प्रस्तावना डिस्कस किया था, यानी प्रियम्बल, मैंने प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने डिस्कस किया था और उसके बेहतरीन क्वेश्चंस भी हमने दिए थे, वो जाके आप मेरे पिछले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज इस दोबारा जो सेशन हमारा स्टार्ट हुआ है, इसमें मैं लेकर आया हूँ फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मैं दावा करता हूँ कि इस लेक्चर को पढ़ने के बाद में फंडामेंटल राइट्स से एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, यानी आप एग्जाम में बढ़िया कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स से। हम सभी जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स संविधान के भाग तीन में बताया गया है, संविधान के भाग तीन में बताया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान में फंडामेंटल राइट्स की चर्चा है। अगर हम बात करें तो 12 और 13 को छोड़कर हमारे पास में यानी 14 से लेकर 35 तक हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है। 12 13 एक अलग प्रावधान रखता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि फंडामेंटल राइट्स के पीछे यानी मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो कि मूलभूत से जो हमारे भारत की जनता है यानी जो भारत के नागरिक या किसी भी देश के नागरिक है उनके सार्वभौमिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए मौलिक अधिकार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसे आप हर रोज पानी पीते हैं, जैसे आप हर रोज खाना खाते हैं, जैसे आपकी डेली दिनचर्या है, बिना उसके आपका जीवन असंभव है, उसी तरह मौलिक अधिकार के बिना जीना बिल्कुल कह सकते हैं कि एक निरर्थक रूप प्रदान करता है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आपके ऑलराउंड डेवलपमेंट को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार की अगर हम व्याख्या करें तो मौलिक अधिकार के पीछे की एक थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या रहा है, इसके बारे में हम थोड़ा बताना चाहेंगे। 1215 की बात है, 1215 में कुछ वहां के सामंतों द्वारा एक विवाद हुआ और इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने एक तरह से नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए जिसको फंडामेंटल राइट्स कहा गया। यानी 1215 में एक मैग्ना कार्टा प्रस्तुत किया गया। 1215 के मैग्ना कार्टा में नागरिकों को कुछ वहां के नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए, वही फंडामेंटल राइट्स कहलाया। फिर धीरे धीरे 1789 में यानी 1789 में फिलेडेल्फिया कन्वेंशन में अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स बना जिसमें नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए, उसको मूलभूत कहा गया और उस अधिकार में थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन था यानी थोड़ा सा भेदभाव था। उसमें 10 अनुच्छेद यानी 10 उसमें संशोधन किए गए उस संविधान जो कि उस टाइम का बिल ऑफ राइट्स था, उस संविधान में कुछ संशोधन किए गए यानी 10 संशोधन किए गए। इसके बाद में वहां से निकल के आया मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। यानी विश्व में सबसे पहला जो लिखित संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है वो है अमेरिका का संविधान, और उसी संविधान से यानी जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ा गया उसी संविधान से जो है लिया गया है यानी बारो किया गया है। यानी कह सकते हैं कि जो भारत का मौलिक अधिकार है, भारत का संविधान है, जो भारत का संविधान है इसमें जो मौलिक अधिकार 12 से 35 तक दिए हुए हैं, ये मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान बिल ऑफ राइट से प्रेरित है, बिल ऑफ राइट से इसको बोरो किया गया है।
ठीक है, क्लियर है। भाग तीन में इसका उल्लेख है, भाग तीन में फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख है। अब थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा हम ट्रिक यूज करेंगे, यानी हम देखते हैं कि आ, आ से अधिकार होता है, आ से ही अमेरिका होता है, और थोड़ा सा इसी टाइप की एक इमेज बन के आती है, तीन तीन की जो है इमेज बन के आती है। यानी यहां से हम भूल नहीं सकते हैं, यानी आ यानी अमेरिका से लिया गया है भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है, और कहां से भाग तीन में उल्लेखित है, तो इतना हम लोग याद रखेंगे। 12 से 35 तक इसका उल्लेख है, ठीक है। यानी किसी भी नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार की बेहद अहम आवश्यकता है, यानी बिना मौलिक अधिकार के भारत का कोई भी नागरिक या विश्व का कोई भी नागरिक जीवित नहीं रह सकता, ये हम भली बात जानते हैं। दूसरी चीज क्या है कि मौलिक अधिकार की जो गारंटी है वो उच्च न्यायालय यानी वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय लेता है, सबसे बड़ी चीज। ये मूलभूत क्यों है, मौलिक अधिकार मूलभूत क्यों है, क्योंकि इसकी गारंटी जो होता है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, भारत की जुडिशरी लेती है, भारत की न्यायपालिका लेती है, भारत की न्यायपालिका लेती है। यानी आपके मौलिक अधिकारों का कोई वॉयलेशन करता है, यानी आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है, तो आप न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकते हैं, यानी न्यायपालिका आप जा सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट में आप अपनी कुछ तरह की रिट होती वो आप फाइल कर सकते हैं, यानी आपकी वहां पर सुनवाई होगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का वॉयलेशन होता है या डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो कुछ परिस्थितियों में होता है, जैसा कि पहली परिस्थिति बनती है आपकी मार्शल लॉ, या फिर दूसरी आपकी जो परिस्थिति बनती है वो है आपकी आपातकाल। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी दो ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपके मौलिक अधिकार सस्पेंड हो सकते हैं, जिसमें आपके मौलिक अधिकार जो है छीने जा सकते हैं। अगर सपोज दैट कोई व्यक्ति जेल जाता है, तो वहां पर जेल जाने का मतलब हो गया कि उसका मौलिक अधिकार छीन लिया जाता है। यानी अगर आप जेल में हैं तो अपने स्वतंत्र पूर्वक जो आप जीवन जीते हैं वो आप नहीं जी पाएंगे, यानी आपका मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट हो रहा है। यानी एक इंसान को जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो मौलिक अधिकार है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पीपीटी के माध्यम से, हमने कुछ पीपीटीज बनाई हैं, उनके माध्यम से हम मौलिक अधिकार को हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है, समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में जाके आप यस लिख के रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लासेस अभी लाइव दो तीन दिन नहीं हो पाएंगी क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है, तो क्लासेस रिकॉर्ड करके हम प्रॉपर वीडियो आपके इस जो है चैनल के माध्यम से आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो मौलिक अधिकार का इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार का इतिहास क्या रहा है, मौलिक अधिकारों के इतिहास पर दृष्टि डालने से हमें ज्ञात होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को दर्ज करवाने वाला पहला देश था। इसके बाद जर्मनी ने 1919 में विहमर संविधान के द्वारा इसको अपनाया। इसी प्रकार आयरिश जो कॉन्स्टिट्यूशन था यानी आयरलैंड और रूस ने 1922 तथा 1936 में इसे स्वीकार किया। हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय नेताओं ने यानी हमारे भारतीय संविधान में जो राष्ट्रीय नेता थे, इन लोगों ने इन अधिकारों के महत्व को महसूस किया। इसीलिए 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट कमेटी की मांग पर इन अधिकारों को प्रस्तावित किया गया, और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो संविधान सभा में मौलिक अधिकारों का
वर्णन किया गया, यानी मौलिक अधिकार को शामिल किया गया भारतीय संविधान में, जिनकी विशेष रूप से रक्षा सुनिश्चित की गई और इन्हें मौलिक अधिकारों का दर्जा प्रदान किया गया। तो इतनी चीजें आप जान चुके हैं, यानी मौलिक अधिकार का इतिहास क्या रहा है। आगे देखेंगे हम, मौलिक अधिकार मानव जीवन की वो शक्तियां हैं जो नैतिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति को अपना कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक है, या हम कह सकते हैं कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य उसको क्रियान्वित करता है। यानी अधिकार वह मांग है जिसको राज्य स्वीकार करता है। यहाँ पर राज्य का मतलब है किसी पार्टिकुलर देश से, यानी अगर हमने पहले ही बताया था, अगर कैपिटल एस लिख के आता है तो उसका मतलब हो गया पॉलिटी में इसको आप पढ़ेंगे किसी पार्टिकुलर देश की बात की जा रही। यानी यहाँ पर राज्य का मतलब यूपी बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश से नहीं है, यहाँ पर किसी पार्टिकुलर देश यानी कंट्री की बात हो रही है, ठीक है। यानी जिसको जो है राज्य क्रियान्वित करता है और समाज उसको स्वीकार करता है। आगे देखेंगे मूल अधिकार क्या होते हैं। कई परिभाषाएं हैं जो अलग अलग जो है इतिहासकारों ने अपने माध्यम से दी है। वे अधिकार जो मानव जीवन के लिए मौलिक तथा आवश्यक है तथा जिन्हें संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जाता है तथा संविधान में प्रदत्त प्रावधानों के अंतर्गत उनकी सुरक्षा की व्यवस्था होती है, मूल अधिकार कहलाते हैं। आप कर्नाटक का मामला देखें, अभी हाल ही में कर्नाटक का मामला हुआ है, एक लड़की हिजाब पहन के गई थी स्कूल में, वहां पर उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ, यानी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ और उसने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल करी कि साहब हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, इस पर आप कुछ विचार विमर्श करिए। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय आया। वो निर्णय क्या था हम बताना चाहेंगे। जैसा कि हम ये समझ सकते हैं कि हमारे संविधान में कुछ ऐसी स्वतंत्रताएं दी गई हैं जो बहुत ही आवश्यक हैं, यानी मूलभूत भी हैं। जैसा कि अगर हम देखें कर्नाटक के विवाद में देखें तो आर्टिकल जो 25 है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यानी जो आर्टिकल 25 है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आर्टिकल जो 21 है यानी 21 है वो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। तो इन्हीं दो मौलिक अधिकारों को चैलेंज किया गया, यानी उस लड़की के वकील ने चैलेंज किया आर्टिकल 25 और आर्टिकल 21 को कि साहब हमारे ये दो जो हमारे अनुच्छेद हैं, ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनका हनन हो रहा है और इस पर अपना कुछ निर्णय दीजिए, इस पर अपनी कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करिए। तो आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी अबाध रूप से बिना रुके अपने धर्म की स्वतंत्रता करने का पूर्ण अधिकार है। आर्टिकल 21 जो है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, यानी आपके जीवन को सुलभ बनाने के लिए या आपके जीवन पर, आपके लाइफ स्टाइल पर किसी दूसरे का संप्रभुत्व ना हो, इसका पूरा अधिकार देता है और इसकी सुरक्षा मैंने बताया कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब फिर इसके बाद में जो विपक्ष का वकील था उसने क्या प्रतिक्रिया दी कि हमारे मौलिक अधिकार जो है, हमारे मौलिक अधिकार में 14, 15, 16 यानी इस तरह के भी अधिकार दिए हुए हैं, यानी समानता का भी अधिकार दिया हुआ है, समता का भी अधिकार दिया गया है। यानी जिस स्कूल में आप हिजाब पहन के जा रहे हैं, वहां अदर जितने भी बच्चे हैं वो सब एक ड्रेस कोड में आते हैं, यानी वो एक यूनिफॉर्म में आते हैं। वहां पर पार्टिकुलर किसी भी अपने धर्म का जो कह सकते हैं धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये भी स्वाभाविक रूप से गलत है। यानी आप किसी शैक्षणिक संस्थान पर जहां पर ऑलरेडी ड्रेस कोड वहां पे दिया गया है, वहां पर आप अपने धर्म की स्वतंत्रता, यानी धर्म की स्वतंत्रता वाले अधिकार को आप वहां पर हावी नहीं होने दे सकते। इतनी चीजें क्लियर हुई। यानी कहने का मतलब हो गया कि अधिकार टकराते हैं, मौलिक अधिकार भी आपस में टकराते हैं। बहुत सारे वाद आए, बहुत सारे जो है केसेस आए, इनको हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, यानी फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे। और एक क्वेश्चन इस पे ये भी बनता है, क्या मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं
कि 1978 में 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो राइट टू प्रॉपर्टी था, यानी जो संपत्ति का अधिकार था, उसको इस संविधान यानी मौलिक अधिकार से निष्कासित कर दिया गया, यानी मौलिक अधिकार में हटा दिया गया। ठीक है, यानी अब इस टाइम पे जो संपत्ति का अधिकार है वो एक विधिक अधिकार है, यानी वो एक कानूनी जो अधिकार बन गया है। ठीक, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है या फिर कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो आपको कानूनी अधिकार पे टिक करना है। ओके, 1978 में 44वें संविधान संशोधन हुआ जिसमें संपत्ति के अधिकार को, जो कि 31 में था, 31 ए में था, उसको ट्रांसफर कर दिया गया और कानूनी अधिकार उसको बना दिया गया। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा इस इतिहास से इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। विश्व में मूल अधिकार का विकास जो हुआ वो सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटिश सम्राट जॉन, यानी जॉन जो थे, उनके द्वारा 1215 में हस्ताक्षरित अधिकार पत्र मूल अधिकारों से जुड़ा पहला लिखित दस्तावेज है। इस दस्तावेज के द्वारा सम्राट ने ब्रिटिश नागरिकों को कुछ मूल अधिकार प्रदान किए और 1689 यानी 1689, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है ये, 1689 में लिखित बिल ऑफ राइट्स द्वारा समय समय पर ब्रिटिश नागरिकों को ये अधिकार प्रदान किए गए। यानी बिल ऑफ राइट्स, यानी जो अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स है, वहां से मौलिक अधिकारों की जो एक कह सकते हैं कि रियल जो उत्पत्ति है वो वहीं से मिलती है। और भारतीय संविधान में भी बिल ऑफ राइट्स का प्रभाव पड़ा और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को भाग 3 में 12 से 35 तक जोड़ा गया। ओके, आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार, ये पार्ट वन है, ये पार्ट वन लेक्चर है, लेकिन मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में। ठीक है, ये पार्ट वन कह सकते हैं कि ये लेक्चर। ठीक है, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। संविधान में भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है कि भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे देखेंगे, मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह पत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया था और यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज था। ओके, आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार, भारत का संविधान जो कि 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। जब संविधान बना था तब 7 मौलिक अधिकार थे, प्रेजेंट टाइम में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। पहला है समता का अधिकार, समता का अधिकार जो कि 14 से, यानी अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। 19 में भी कई प्रकार के हैं, 19(1), 19(2) यानी H तक है, इसको हम पूरा चर्चा करेंगे। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो कि 23 और 24 में है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। और संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार है जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कंसाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, यानी संविधान की आत्मा कहा था अनुच्छेद 32 को, यानी इसमें रेमेडीज है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है। अब आगे देखेंगे, संविधान में संपत्ति का अधिकार जो था
अनुच्छेद 31 में था, शामिल था। हालांकि इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और प्रेजेंट टाइम में संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यह संविधान जो कि पहले मौलिक अधिकार था प्रेजेंट टाइम में कानूनी अधिकार बन गया है, जो कि भाग 12 में 300A अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। अब इसकी क्या विशेषताएं, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या है? पहला, संविधान द्वारा संरक्षित है। ठीक है, संविधान ने इसको इसको सुरक्षा प्रदान करी है, यानी हमने हम पहले ही बता चुके यदि कोई इसका वॉयलेशन करता है, यदि इसका कोई हनन करता है, तो संविधान इसकी सुरक्षा की गारंटी न्यायालय को देता है। ठीक है, सामान्य कानूनी अधिकारों के विपरीत मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। दूसरा, कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वह नागरिक विदेशी या कानूनी व्यक्ति हो, जैसे कि परिषद एवं कंपनियां। हमने बताया कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो विदेशियों को भी दिए गए हैं। ठीक है, जैसा कि हम बताएंगे, जो नागरिकों को दिए गए अधिकार हैं, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों को दिए गए हैं, वे कौन कौन से हैं? पहला तो 15 है, दूसरा 16 है, तीसरा 19 है, 29 है और 30 है। ये जो अधिकार हैं, ये सिर्फ भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, यानी 15, 16, 19, 29 और 30 ये नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। बाकी जो अधिकार हैं वो भारत के विदेशी, जो भारत में आने वाले जो विदेशी नागरिक हैं, उनको भी दिए गए हैं। ये कौन कौन से हैं पूरा हम चर्चा करेंगे, एक एक अधिकारों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला, ये अस्थाई नहीं है, संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत। संसद जो है इसके इसमें कटौती या कमी कर सकती, इसमें लिमिटेशंस लगा सकती है या इसको और विस्तृत बना सकती है, लेकिन वो संशोधन के द्वारा बनाएगी, संशोधन के द्वारा बनाएगी, ना कि इसमें जो है संसद के विधेयक, साधारण विधेयक द्वारा। ठीक है, ये असीमित नहीं है, लेकिन ये वाद योग्य है, ये असीमित भी नहीं है। ठीक है, यानी इनकी बहुत ज्यादा लिमिट है, यानी लिमिट इनकी, विस्तार इनका बढ़ाया जा सकता है कुल मिला के, लेकिन ये वाद योग भी है, इनके बारे में केसेस बनते हैं जो कि हम चर्चा करेंगे, यानी इस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, जो मौलिक अधिकार हैं सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन इन पे हो सकता है, जैसा कि अभी आप कर्नाटक वाला आपने मामला देखा, बहुत सारे ऐसे मामले आते जैसे कि आप देखे अयोध्या का मामला आया था जो राम मंदिर के बारे में था, वो भी मौलिक अधिकार में ही था, यानी जो आर्टिकल 25 था उसमें जो है उसके बारे में, यानी उस पे भी डिस्कशन हो सकता है, कुल मिला के वाद योग है। ठीक, अगला है, राज्य उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, हालांकि कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय भी अदालत ही करेगा। इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि यानी जो प्रतिबंध लगाता है वो किसके द्वारा, जो प्रतिबंध बताने का काम करता है वो न्यायालय ही करेगा। ठीक है, ये न्यायोचित यानी जस्टिसिएबल है, जब भी इनका उल्लंघन होता है ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति प्रदान करते हैं। अगला है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय की घंटी बजा सकता है और कह सकता है कि साहब हमारे अधिकारों की रक्षा कीजिए, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे अधिकारों का वायलेशन हो रहा है, इस पर अपनी कड़ी जो है कार्यवाही करिए कि हमारे जो संविधान के द्वारा प्रदान हमारे मौलिक अधिकार है कम से कम वो सुरक्षित रहे। ठीक है, तो इतना आज के इस पीपीटी में इतना ही था। हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जो अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 12 और 13 की अगर हम बात करें, 12 और 13 की बात करें, तो अनुच्छेद 12 में राज्य के बारे में बताया गया है, यानी राज्यों की परिभाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 12
पहले आज हम 12 और 13 पढ़ लेंगे, 14 से लेकर जो 31 तक है कल की डेट में हम पढ़ेंगे, 14 से लेकर पूरा 35 तक पढ़ा देंगे, यानी 14 से लेकर 35 तक अगले जो है हमारे वीडियो में हो जाएगा। आज 12 और 13 समझ लीजिए जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। 12 क्या कहता है, 12 जो है राज्यों की परिभाषा को बताता है, राज्य क्या होते हैं, उनमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, राज्यों की परिभाषा देता है। पहला उसमें आता है आपका केंद्र, केंद्र आता है आपका, इसमें राज्य आता है, यानी जो आपके राज्य कौन कौन से, जितने भी राज्य हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, जितने भी इस तरह के राज्य हैं वो भी इसी में आते हैं, ठीक है, केंद्र राज्य आता, इसमें ही संसद भी इसमें आती है, यानी संसद भी इसी राज्य में आती है, इसी में जितने भी पदाधिकारी गण है वो भी इसी में आते हैं, पदाधिकारी गण इसी में आते हैं, इसी में कुछ प्राइवेट संस्थान भी आते हैं, प्राइवेट संस्थान भी इसी में आते हैं, यानी इनके खिलाफ एक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, ठीक है। और अभी कुछ दिन पहले बीसीसीआई जो था वो अलग था, और अब बीसीसीआई भी इसी राज्य की यानी आर्टिकल 12 में भी शामिल कर दिया गया है, ठीक है, राज्य की परिभाषा में शामिल कर दिया गया है, यानी जितने भी, ठीक है, जितने भी सरकारी जो संस्थान है या फिर प्राइवेट संस्थान है या फिर हमारे राज्य है या फिर स्टेट या सेंटर है, सबको राज्य की परिभाषा में शामिल किया गया है जो कि अनुच्छेद 12 में वर्णित है। इतना समझ गए होंगे, क्लियर है। अब आर्टिकल जो 13 है, अनुच्छेद जो 13 कहता है, अनुच्छेद 13 जो है वो न्यायिक समीक्षा की बात करता है। पहला न्यायिक समीक्षा की बात करता है, यानी जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कोई भी ऐसा कानून, हमने बताया था, कोई भी ऐसा कानून जो संसद के द्वारा बनाया जाता है वो संविधान के दायरे में है या नहीं, इसका इसकी जो चेक एंड बैलेंस का काम करता है, इसकी जो न्यायिक समीक्षा का काम करता है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं, सुप्रीम कोर्ट करता है, जो कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत आता है, ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण है। न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। कभी कभी क्या होता है कि मौलिक अधिकारों का हनन होता रहता है, यानी या फिर कुछ ऐसे अधिकार बना दिए जाते हैं, यानी कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे प्रावधान बना दिए जाते हैं जो कि नागरिकों के लिए बेहद खराब माने जाते हैं, जो कि नागरिकों को समझ में नहीं आता है। जैसा कि अभी कुछ बिल पास किया गया था, अभी हाल ही में किसान बहुत ज्यादा आंदोलन कर रहे थे, बहुत दिनों तक, लगभग साल भर आंदोलन ये चला, और इसके लिए एक कानून MSP लाने जाने की बात चल रही थी, इसको सरकार को वापस लेना पड़ा। और इस सरकार को वापस लेने का कारण क्या है कि भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम है और स्वतंत्र है, सबसे ज्यादा सुप्रीम और स्वतंत्र है। आर्टिकल 13 के तहत ही उसने न्यायिक समीक्षा यानी किसी भी नियम का जुडिशियल रिव्यू किया, और इसके बाद में उसने जो है चेक एंड बैलेंस किया, तब वो संविधान अपने फॉर्म में आता है, यानी वो एक कानून, वो एक बिल बनता है। तो यानी आप ये समझ गए होंगे आर्टिकल 13, ठीक है। मौलिक अधिकारों को हमने बताया कि सबसे पहले भारतीय संविधान यानी भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि भाग 3 में उल्लेखित है, और ये 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। ये 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आज के डेट में ये भारतीय संविधान यानी फंडामेंटल राइट्स की मैंने समरी और कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे वो हमने बताए। कल के डेट में फंडामेंटल राइट्स पे जितना बड़ा लेक्चर हो सकेगा हम बनाएंगे, 14 से लेकर 35 तक की हम विशेष चर्चा करेंगे, जिसमें आप सभी लोग उपस्थित रहें और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो लोग अभी नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे वो लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगर हमारा लेक्चर ये पसंद आता है तो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए सेशन के साथ में, कुछ अच्छे लेक्चर्स के साथ में, जो कि फंडामेंटल राइट्स का दूसरा टॉपिक होगा, लेसन होगा। जुड़े रहिए, जय हिंद, जय भारत।